गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 6, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। यस्टरडे बच्चों हम लोग पढ़े थे वाटर के बारे में, ठीक है, ये कि वाटर इज वेरी नेसेसिटी फॉर अस। टुडे आवर टॉपिक इज यूजेज ऑफ वाटर। आज हम लोग इस टॉपिक पे पढ़ेंगे यूजेज ऑफ वाटर, वाटर के कौन कौन से यूजेज हैं। ये तो आप लोग जानते ही हैं बच्चों कि मॉर्निंग से ही हमें डेली एवरीडे वाटर की जरूरत होती है, ठीक है। इसके अलावे भी वाटर के और भी बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे डोमेस्टिक यूजेज, एग्रीकल्चर यूजेज, इंडस्ट्रीज यूजेज। ओके, इन डोमेस्टिक हम लोग अपने घरों में बच्चों जैसे सुबह से ही हम लोग खाना बनाते हैं, पीते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्क करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, ये सभी जितने भी हमारे डोमेस्टिक वर्क हैं, वी कांट इमेजिन विदाउट वाटर। इसको हम लोग वाटर के बगैर इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर मीन्स खेती, किसान जो अपने एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं बच्चों अपने अर्निंग के लिए। बहुत सारे पीपुल हैं जो अपने अर्निंग के लिए अपनी खेती करते हैं, बहुत सारे अनाज को जब एक लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करके उसको मार्केट में लाते हैं, दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो इस एग्रीकल्चर में भी उन्हें वाटर की जरूरत होती है बच्चों, क्योंकि ये तो आप लोग जानते हैं कि प्लांट को भी अपने फूड के फॉर्मेशन के लिए और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना पड़ता है, फोटोसिंथेसिस में उन्हें वाटर की जरूरत होती है, ठीक है। तो तीसरा है इंडस्ट्रीज, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उन्हें भी अपने प्रोडक्शन को बनाने के लिए वाटर की जरूरत होती है बच्चों। तो इसलिए हम लोग देखते हैं द वाटर इज वेरी यूजफुल फॉर अस। तो दीज आर सम टॉपिक्स दैट वी से दैट दीज आर द यूजेज ऑफ वाटर। इस सारे टॉपिक को हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सारे हैं जिसको कि हम लोग जिसके बगैर इस फील्ड में हम वाटर के बगैर इमेजिन भी नहीं कर सकते बच्चों। अब है नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ वाटर। हमारा मेन सोर्स वाटर का क्या है, रेन वाटर, बारिश का पानी बच्चों। बारिश क्या है, बारिश जब होता है तो हमारा जितना भी वाटर बॉडीज है उसमें वाटर भरता है, जिसके कारण हम लोग उस वाटर को फिर समय समय पर अपने यूज में लाते हैं। तो मेन सोर्स वाटर का क्या है, हमारा रेन वाटर। दूसरा है सरफेस वाटर। तीसरा है बच्चों अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर से आजकल हम लोग क्या करते हैं, समरसेबल लगा के मोटर लगा के पानी को खींचते हैं हैंडपंप से। जितने भी हमारे सरफेस वाटर हैं, बॉडीज हैं, जैसे हमारा रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, वेल हो गया, ये सब सब है जहाँ से हम लोग पानी को निकालते हैं और अपने यूज के लिए उसको काम में लाते हैं बच्चों। तो ये सब हो गए यूजेज ऑफ वाटर और सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में कि किस तरह से वाटर का यूज हम लोग डोमेस्टिक यूज में करते हैं, एग्रीकल्चर में करते हैं, इंडस्ट्रीज में करते हैं। इसीलिए बोला जाता है बच्चों कि वाटर इज वेरी प्रीशियस फॉर अस। पानी क्या है, हमारे लिए बहुत ही कीमती धन है, बहुत ही अनमोल, प्रकृति के द्वारा दिया गया एक बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है हमारे लिए बच्चों, कि जिसके बगैर हम अपने लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते, हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इस आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़े, यूजेज ऑफ वाटर के बारे में और सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में बच्चों। तो ये टॉपिक को आप अपने बुक्स में भी दिया हुआ है और इसको आज आप फिर से डिटेल में पढ़िएगा बच्चों, और आगे नेक्स्ट डे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से अपने वाटर को हम लोग पॉल्यूटेड होने से बचाएंगे, किस तरह से कम हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग वाटर को वेस्ट करने से बचाएं, कम से कम यूज करके अपने डेली वर्क को काम कर सकें, जिससे कि फ्यूचर में हमारे हमें वाटर के हमारे जनरेशन को वाटर की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये हमारा जो
कीमती चीज है, जो जो प्रीशियस चीज है वो हमारे लिए हमेशा बचा रहे और हमें कभी इसकी स्कार्सिटी नहीं हो। इमेजिन कीजिए कि एक दिन अगर आपके घरों में पानी नहीं हो बच्चों, तो आपका डेली लाइफ ही क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, आपका डेली का काम ही करना बंद हो जाएगा बच्चों। इमेजिन ही नहीं कर सकते हम लोग वाटर के बगैर अपनी जिंदगी को, ठीक है। तो आज से अपने घरों में आप लोग ये कोशिश कीजिए बच्चों कि उतना ही पानी को हम लोग यूज करेंगे जितना की जरूरत हो, और अपने पानी को क्या करेंगे, जितने भी हमारे अंडरग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है, रेन वाटर है, उसको प्रिजर्व करके रखेंगे, उसको स्टोर करके रखेंगे, उसको वेस्ट नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पानी को बचाएंगे और कोशिश करेंगे कम से कम पानी का यूज करके हम अपने डेली वर्क को कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू और नेक्स्ट डे हम आप लोगों को अनदर टॉपिक बताएंगे। ओके, बाय बच्चों।